दोस्तों ओम शांति। आज मैं सत्यम आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है आप क्या बनना चाहते हैं। आप भी तो सोचते होंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था हेमंत। वे एक दिन अपने स्कूल से घर आते ही अपने कमरे में एक तरफ बैठ गया। मैं क्या बनूंगा इस विषय पर उसके मास्टर जी ने उसको सोच कर आने को कहा था, इसलिए वह सोचने लगा। हेमंत के पिताजी डॉक्टर थे। उसने सोचा अगर मैं भी डॉक्टर बनूं तो कैसा रहेगा, पिताजी को भी पसंद आएगा और दीन दुखियों की सेवा भी होगी। फिर हेमंत के मन में ख्याल आया, पड़ोस वाले रोशन काका रोज काला कोट पहने कोर्ट जाते हैं, उनका भी बड़ा रोब है, क्यों ना मैं वकील बन जाऊं, मैं निर्दोष कैदियों को कैद से मुक्त कराऊंगा। जब हेमंत को अपने चाचा जी की याद आई, वह विमान चालक थे, उसने सोचा पायलट बनकर विमान उड़ाने में भी बड़ा आनंद आएगा। फिर हेमंत ने सोचा अगर मैं सैनिक बनूं तो मैं दुश्मनों से देश की रक्षा कर सकूंगा। जब हेमंत की नजर टेबल पर पड़े अखबार पर पड़ी तो उसमें एक मंत्री महोदय का सुंदर चित्र था। वह अदा से भाषण कर रहे थे। उसने सोचा नेता भी आजकल का राजा है, मंत्री बनना कैसा रहेगा। जब हेमंत की नजर कमरे में टंगे हुए चित्र पर पड़ी, वह महान कवि रविंद्रनाथ जी का चित्र था। उसने सोचा कवि बनकर सुंदर सुंदर कविताएं लिखकर यश पाना भी कितना अच्छा रहेगा। अचानक जब उसकी नजर एक दूसरे चित्र पर पड़ी तो वह एकटक देखता ही रह गया। जानते हो वह किसका चित्र था? वह चित्र मुरली बजाते हुए अति सुंदर श्री कृष्ण जी का था। उनकी दिव्य आभा उसे आकर्षित कर रही थी। उसने सोचा कितना हर्षित और सौम्य चेहरा है। हेमंत के मन में भाव उठा अगर मैं भी श्री कृष्ण जैसा सुंदर और गुणवान देवता होता तो कितना अच्छा होता। हेमंत का चेहरा खिल उठा। उसने निश्चय कर लिया कि कल वह क्लास में जाकर कहेगा कि मैं श्री कृष्ण जैसा सुंदर और गुणवान देवता बनना चाहता हूँ। मैं श्री कृष्ण जैसा सुंदर और गुणवान देवता बनकर अपनी प्यारी भारत भूमि को स्वर्ग बनाऊंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं इसी कहानी से जुड़ा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्या बनना पसंद करेंगे और क्यों? मैं हर माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हर बच्चे को अपना लक्ष्य निश्चित करने के लिए प्रेरणा अवश्य दें। मैं सोच रहा था मैं अपने दोस्तों को क्या दूं, सोचा फूलों का कुछ गुलदस्ता दूं, लेकिन फूल तो फूल है फिर मुरझा जाएंगे। फिर सोचा कागज पर कुछ रंग बिखेरूं, लेकिन रंग तो जज्बों से परे होते हैं, फिर मैं क्या दूं? हाँ, कुछ है जो हम आपको दे सकते हैं, अपने प्यारे रिश्ते की मासूम हंसी और चंद दुआएं। दुआ है कि कामयाबी के हर एक शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना। दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा, तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाबों से भरा हो हर पल, एक दिन दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। इसी के साथ मैं सत्यम आपसे विदा कहता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, ओम शांति।